टू द अदर वीडियो ऑफ एसिड बेस एंड सॉल्ट। अब हम लोग इसके अंदर सॉल्ट की प्रिपरेशन सीखेंगे। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हमारे सिलेबस में चार सॉल्ट हैं, जिनके मैंने आपको नाम लिखवाए थे, कॉमन नेम लिखवाए थे, केमिकल नेम लिखवाया था और उनका एक फॉर्मूला लिखवाया था मैंने आप सभी को। अब हम एक एक करके वन बाय वन उनकी स्टडी करने वाले हैं। जैसे कि सबसे पहले हमारा वॉशिंग सोडा, हमें सबसे पहले वॉशिंग सोडा की प्रिपरेशन सीखनी है कि वॉशिंग सोडा को बनाया कैसे जाता है। सबसे पहले वॉशिंग सोडा को बनाने के लिए मेरे पास होगा NaCl। पहले स्टेप में, स्टेप नंबर वन है मेरा, स्टेप नंबर वन में अगर मेरे को वॉशिंग सोडा की प्रिपरेशन करनी है तो मेरे को NaCl लेना है। उससे पहले मैं आपको बता दूं, वॉशिंग सोडा का जो फॉर्मूला होता है Na2CO3.10H2O, जिसको हम लोग बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। डेका क्यों यूज किया, क्योंकि यहाँ पर 10 है, डेका के लिए हम लोग 10 यूज करते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा आप सभी, कि NaCl लिया, NaCl के साथ मैंने लिया आपका वॉटर, फिर मैंने लिया CO2 और मेरे को अमोनिया भी लेना पड़ेगा। अगर मेरे को वॉशिंग सोडा की प्रिपरेशन करनी है तो इसके लिए मेरे को चार रॉ मटेरियल की जरूरत होगी। सबसे पहला NaCl, दूसरा H2O, CO2 और NH3। जैसे ही ये आपस में रिएक्ट करेंगे मेरे को मिलेगा NaHCO3 प्लस NH4Cl। क्या मिलेगा? NaHCO3 प्लस NH4Cl। ठीक है, ये मेरा सोडियम क्लोराइड, ये मेरा वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया। जैसे ही रिएक्शन हुआ मेरे को मिला NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसको क्या बोलेंगे? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब यहां पर मिला मुझे बाय प्रोडक्ट में अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। NH4Cl क्या होता है मेरा? अमोनियम क्लोराइड। अब अगले स्टेप में क्या करना है, जो मेरा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बना इसको मैं लूंगा, NaHCO3 को मैंने लिया, NaHCO3 को मैंने लिया, इसको मैंने हीट करवा दिया। NaHCO3 को मेरे को क्या करवाना है? हीट करवा देना है। हीट करवाने के बाद मेरे को क्या मिलेगा? Na2CO3। ध्यान से देखिएगा मेरे को क्या मिलेगा, Na2CO3 मेरे को यहाँ पर मिल जाएगा। हमें सिर्फ अपने मेन प्रोडक्ट से काम है तो हम अपना मेन प्रोडक्ट ही लेके चलेंगे। ठीक है, Na2CO3 मेरे को मिल रहा है। इसके बाद मैं इसको बैलेंस कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखो दो सोडियम है, दो सोडियम हो गए, यहाँ पे हाइड्रोजन भी मैं बना देता हूँ, एक एच हो गया। उसके बाद क्या कहते हैं, दो हाइड्रोजन है तो दो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन कितने की? 3 ऑक्सीजन, और यहाँ पे 3 2 6 ऑक्सीजन है। तो इसका मतलब मैं ऐसे कर सकता हूँ, ठीक है, या फिर वाटर मिलेगा। अब इसके बाद देखिए मेरे को क्या मिला, NaCO3। जब मैंने NaCO3 को हीट करा तो मुझे Na2CO3 मिला, प्लस मेरे को क्या मिल गया? वाटर मिल गया। ठीक है, अब इसके बाद मैंने क्या किया, Na2CO3 को लिया, इसके अंदर मेरे को 10H2O डालना है। क्या डालना है? 10H2O। जैसे ही डालूंगा मेरे को मिल जाएगा Na2CO3.10H2O। जो मेरा रिक्वायर्ड, जो मेरे को चाहिए था वो मेरे को मिल गया। क्या रिक्वायर्ड था मेरे को? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट Na2CO3.10H2O मेरे को यहाँ पर ऑब्टेन हो गया। आई होप कि आपको यह समझ आ गया होगा, इसके 3 स्टेप्स आपको क्लियर हो गए होंगे। प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस। अच्छा, इसमें ना यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड आपको कैमरे में दिख नहीं रहा था, आई होप आप क्लियर होगा। यहाँ पे CO2 रह गई थी, CO2 भी आएगी। अब ध्यान से नोट कर लीजिए। अब हम लोग प्रॉपर्टीज देखेंगे, हमारा जो वॉशिंग सोडा जो बन चुका है Na2CO3.10H2O, इसकी कुछ खास प्रॉपर्टीज होती हैं, इसको काफी जगह पर हम लोग यूज करते हैं। सबसे पहले वॉशिंग सोडा इज ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड। इसकी पहली प्रॉपर्टी, ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, इसके छोटे छोटे क्रिस्टल्स प्रेजेंट होते हैं और वो क्रिस्टल कुछ ट्रांसपेरेंट होते हैं। ठीक है, अगला है सोल्युबल इन वॉटर। ये कुछ मेटल कार्बोनेट है, एक तरह से जो आपका मेटल कार्बोनेट है, ये बहुत कम मेटल कार्बोनेट पानी के अंदर सोल्युबल होते हैं, जिसमें से एक हमारा क्या है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट वॉशिंग सोडा। इट इज वन ऑफ द फ्यू मेटल कार्बोनेट। तो ये क्या है, सोल्युबल इन वॉटर होता है, जो वॉशिंग सोडा होता है ये फ्यू मेटल कार्बोनेट, बहुत कम मेटल कार्बोनेट ऐसे होते हैं जो पानी के अंदर सोल्युबल होते हैं, जिसमें से एक हमारा वॉशिंग सोडा है। उसके बाद है इट इज अल्कलाइन, ये एक अल्कलाइन कह सकते हैं, बेसिक कह सकते हैं, ये बेसिक इन नेचर होता है, जो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। हम लोग इंट्रोडक्शन क्लास में पढ़ चुके हैं
कि जो हमारे बेस होते हैं वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं, इसी तरह हमारा क्या है वॉशिंग सोडा है जो हमारा रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। अगला है इट हैज डिटर्जेंट प्रॉपर्टी और क्लीनिंग प्रॉपर्टी। डिटर्जेंट प्रॉपर्टी कह लो, क्लीनिंग प्रॉपर्टी कह लो, बात एक ही है। इसका मतलब यह है कि ये कपड़े वगैरह वॉश करने के लिए जो क्लोथ्स के अंदर ग्रीस लग जाता है, जो डस्ट लग जाता है, उस डस्ट को रिमूव करने के लिए किसका यूज कर सकते हैं, वॉशिंग सोडा का यूज कर सकते हैं, या कह सकते हैं हम लोग Na2CO3.10H2O का यूज कर सकते हैं। उसके बाद अगला इट इज यूज टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। हम वाटर की हार्डनेस को रिमूव करते हैं, हमें पता है दो तरह के वाटर होते हैं, एक हार्ड वाटर होता है, एक सॉफ्ट वाटर होता है। तो हमें पानी की जब हार्डनेस रिमूव करनी होती है उसके अंदर से कुछ हमें आयंस रिमूव करने होते हैं, तो उन कुछ आयंस होते हैं जो हम आने वाली क्लासेस में स्टडी करेंगे। अभी फिलहाल हम सिर्फ इतना याद रखेंगे कि ये परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने में काम आता है, क्योंकि आने वाली क्लासेस में जो नेक्स्ट चैप्टर आएंगे उसके अंदर हम लोग स्टडी करेंगे वाटर के क्लीनिंग एक्शन के बारे में, कि सॉफ्ट वाटर में, हार्ड वाटर में जो हमारा डिटर्जेंट किस तरह काम करता है, ये आगे स्टडी करेंगे। फिलहाल आपको इतना ही याद रखना है इट इज यूज टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, वाटर की हार्डनेस रिमूव करवाने के लिए। नेक्स्ट है मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास सोप एंड पेपर। इसका यूज किस लिए होता है, हम लोग ग्लास को मैन्युफैक्चर करना है, हमें सोप साबुन को मैन्युफैक्चर करना है, या फिर पेपर को, इन सब को मैन्युफैक्चर करने के लिए हम लोग वॉशिंग सोडा का यूज करते हैं। हम ये भी कह सकते हैं जो भी सोडियम के प्रोडक्ट होते हैं, कह सकते हैं सोडियम प्रोडक्ट, कुछ सोडियम के प्रोडक्ट होते हैं, जैसे वो अगर आप उसको कहते हैं बोरेक्स, एक एग्जाम्पल हमारे पास बोरेक्स, तो ये बोरेक्स जो है सोडियम का प्रोडक्ट है, इसका यूज भी हम वॉशिंग सोडा का यूज करते हैं इस बोरेक्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा कि मैं वॉशिंग सोडा के बारे में आपको क्या समझाना चाहता हूँ, क्या बताना चाहता हूँ। हमारे सिलेबस में वॉशिंग सोडा के बारे में इतना ही है। एक बार और समराइज कर लेते हैं हम इसको, क्या क्या है हमें पढ़ा कि सोल्युबल इन वाटर है, ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड है, अल्कलाइन है जो रेड लिटमस को ब्लू में टर्न कर देता है, डिटर्जेंट प्रॉपर्टी या फिर क्लीनिंग प्रॉपर्टी कह सकते हैं हम लोग इसकी, परमानेंट हार्डनेस पानी की जो परमानेंट हार्डनेस उसको रिमूव करने के लिए हम यूज कर सकते हैं इसका, मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास सोप पेपर या फिर कह सकते हैं सोडियम प्रोडक्ट बोरेक्स, इन सब को रिमूव करने वॉशिंग सोडा का काम आता है। ठीक है, आई होप कि आपको इस वीडियो में वॉशिंग सोडा क्लियर हो गया होगा। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे बेकिंग सोडा की, सो प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।